हमने यहाँ पे प्रसाद ले लिया हमें समोसा, और पानी कहाँ चला गया मेरा, ये रहा। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, मैं अभिषेक आनंद, और आज मैं आया हूँ वासुदेव घाट। ये दिल्ली में एक न्यूली ओपन प्लेस है, और अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसका एंट्री गेट है जो कि अभी ना मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे काम चल रहा है, देखो ये रहा काम चल रहा है। तो अंदर चलता हूँ, थोड़ा आपको एरिया दिखाता हूँ कैसा है। तो ये एरिया जैसे कि जैसे आपने देखा होगा ना कि दिल्ली में तो ऐसी कोई आरती होती नहीं है यमुना घाट के पास, मतलब यमुना नदी के आसपास, लेकिन अब से दिल्ली में भी होने लगी है। तो यहाँ पर हम आए हैं वासुदेव घाट की, यहाँ पे ना यमुना आरती होगी जैसे उत्तराखंड में और बाकी जगहों पर होती है दिल्ली के बाहर। तो अंदर तो यहाँ पे ना इसकी डिटेल लिखी हुई है, यहाँ पे जो यमुना आरती होती है वो मंगलवार और रविवार होती है, यानी ट्यूसडे और संडे शाम को 6 बजे। बट मैं कहूँगा 6 बजे मत आना, थोड़ा उससे पहले आना। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे ना अब बहुत ज़्यादा लोग आने लग गए हैं, 2 ही दिन होती है, इस वजह से अगर रेगुलर हो तो थोड़े लोग कम हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए काफ़ी लोग आने लगे हैं, रील वगैरह पे भी वायरल होने लगा है। तो टाइम से आना आप, जिससे कि आपको आरती को आगे से देखने का मौका मिले। और आगे की तरफ मैं बढ़ता हूँ, इसमें थोड़ा सा अभी ना ये यहाँ पे ये मान के चलो प्रॉपरली ना तैयार नहीं हुआ है, अभी यहाँ पे काम चल रहा है बहुत सारी। देखो उधर की तरफ भी पेड़ वगैरह लगाए हुए हैं, और इधर की तरफ देखो काफ़ी सुंदर ये स्ट्रक्चर बना है, ये देखो ठीक है, और ऐसे बीच बीच में बने हुए हैं। देखो थोड़ा सा इसे ट्राई कराए कि थोड़ा पुराने टाइप का ही रखने के लिए, ठीक है, धार्मिक स्थल टाइप बनाने के लिए। ये पूरा पार्क है इधर की तरफ, और सामने की तरफ भी देखो, सामने जहाँ एम्बुलेंस खड़ी हुई है वहाँ पे देखो, वहाँ पे आप देखो किस तरीके से नदी के किनारे काम चल रहा है, आप साइड में देख सकते हो, और जितना बना है उतना बहुत खूबसूरत लग रहा है, अगर आप चाहो तो यहाँ पर आ सकते हो, ठीक है, और बहुत प्यारा है। और शाम के वक्त तक मैं यहाँ रुकूँगा, आरती भी आपको दिखाऊँगा। ऊपर से ना यार इससे ये फ़ायदा होगा कि लोगों के मन में ना ये होगा कि हमें यमुना जी की सेवा करनी है, ठीक है, उनको साफ रखना है, ठीक है। तो यमुना किनारे जब आरती होगी ना, तो दिल्ली में भी ये है कि कोशिश करेंगे यमुना को साफ रखने की। और सबसे बड़ी और दुख वाला मतलब ये बिटर ट्रूथ है कि ऐसा कहते हैं ना, मतलब इंडिया में सबसे ज़्यादा नदियों की पूजा करते हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा माना जाता है, लेकिन जब भी यार बाहर के देशों के मुकाबले ना सबसे ज़्यादा जो गंदगी करी जाती है वो भी नदियों में ही करी जाती है। तो अगर कोशिश करके हम सब मिलके साफ सब मतलब हम सब मिलके कोशिश करें कि नदियों को साफ रखने की, तो हम कर सकते हैं। जब एक एक लोग जुड़ते हैं ना तभी मज़ा आता है और तभी इम्पैक्ट पड़ता है, ऐसा मत सोचना आपके अकेले से क्या होगा। तो अगर इस प्लेस पर आ रहे हो तो प्लीज़ इसे साफ रखने की कोशिश करना, कोई ऐसी हरकत मत करना कि नदी को इम्पैक्ट पहुँचे या फिर आसपास के एरिया को इम्पैक्ट पहुँचे, ठीक है। बाकी ज्ञान वाली बातें बहुत ज़्यादा हो गई, थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं और दिखाता हूँ मैं आपको। और आगे की तरफ आने के बाद ना मैं आपको ये दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे अंदर भी लिखा हुआ है, ठीक है, DDA के द्वारा यहाँ पे इसको बनाया गया है, इसमें काम चल रहा है, ठीक है, इसका नाम वासुदेव घाट है। और अभी आई थिंक अभी इसके बारे में ना ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं, लेकिन जब जब ये वायरल होना शुरू हो जाएगा, वायरल तो वैसे होने लगा है, प्रॉपर यहाँ पे काम वगैरह भी चल रहा है तो इसलिए ज़्यादा लोग नहीं आ रहे, लेकिन जब लोग आने लगेंगे यार तुम मान के चलो यहाँ पे एक मेरे ख्याल से टिकट वगैरह लग जाएगा, इतने लोग आएंगे, क्योंकि यार क्योंकि ना ये छोटा सा एरिया है, अगर यहाँ पे ज़्यादा भीड़ इकट्ठी होगी तो इन्हें टिकट प्राइस वगैरह कुछ ना कुछ तो रखना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली। बाकी तो यार बढ़िया बना हुआ है, अपना अपना घूमो फिरो बैठो। देखो सामने की तरफ भी ये बीच में, मुझे पता नहीं इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, लेकिन जो भी है प्यारा लग रहा है, इस पार्क में बैठने के लिए आ सकते हो आप, अगर मान लो आप आरती के लिए भी नहीं आ रहे या उस दिन आरती नहीं हो रही है तो आप नॉर्मली एज अ पार्क यहाँ पे घूम सकते हो, वो भी नदी के किनारे आप घूम सकते हो। थोड़ा सा मैं उधर चल के आपको दिखाता हूँ, अभी यहाँ पे ना थोड़ा काम चल रहा है, देखो ये जो टाइल्स लगे हुए हैं यहाँ पे फुटपाथ के लिए, उधर की तरफ ये काम चल रहा है नदी के सामने, और ये यमुना नदी है, ऊपर से पुल जा रहा है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप यहाँ पर आना चाहते हो ना तो कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन जो है वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पास है, वहाँ से आप आ सकते हो, लेकिन कश्मीरी गेट के ना बहुत सारे गेट हैं, मैं जिस गेट से बाहर आया वो गेट नंबर थ्री या फोर में से आप किसी से भी आ सकते हो, वहाँ से जस्ट 1.5 किलोमीटर है, तो आप वहाँ से आओ और पैदल वॉकिंग के डिस्टेंस पर आओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ क्योंकि मैंने ना रिक्शा करा, रिक्शा क्या है यहाँ पे ना बीच में से रिक्शा आर रोड क्रॉस करके नहीं आ सकता, तो बहुत ज़्यादा आगे जाना पड़ता है, फ्लाईओवर से घूम के आना पड़ता है, तो जितना टाइम आपको रिक्शे में लगेगा, जाम वगैरह मिल जाएगा, इतने तो शायद आप पैदल आ जाओगे 1.5 किलोमीटर, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, अगर आप थक गए हो तो आप रिक्शा करके आ सकते हो, टाइम सेम ही लगेगा क्योंकि रिक्शा को या बाइक वगैरह को आगे से घूम के आना पड़ेगा, बीच में से क्रॉस करके नहीं आ सकते, और अगर पैदल आ रहे हो तो आप क्रॉस करके आ सकते हो, ज़्यादा दूर नहीं है, मेरे ख्याल से 300 मीटर होगा अगर आप पैदल आ रहे हो रोड को क्रॉस करके। बाकी यही है, और बाकी मैं वेट करूंगा यहाँ पे आरती का।
इसमें अंदर आने के बाद ना मैंने यहाँ पे एक बड़ा सा फेस बना देखा है, और जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है, क्योंकि इसके बाहर ना बोर्ड वगैरह नहीं लग रहा, तो ये जो फेस है तो ये यमुना जी का ही फेस बनाया हुआ है। और मैंने कुछ लोगों की रील वगैरह देखी तो उन्होंने भी ऐसा ही बताया। अगर मैं कुछ गलत बता रहा हूँ तो प्लीज़ मुझे करेक्ट कर देना, मैं उस कमेंट को पिन कर दूंगा। बाकी जहाँ तक मुझे पता है ये यमुना जी का फेस बना रखा है, और जो कि काफ़ी मतलब अच्छा लग रहा है। बट आई थिंक मैं पर्सनली एक बात कहना चाहूँगा, ऑफेंड मत होना बात से, ठीक है? अगर आपको याद है तो हम जब छोटे थे तो एक कार्टून आता था थॉमस एंड फ्रेंड्स ट्रेन वाला, उसमें जो मेन कैरेक्टर नहीं होता था ट्रेन वाला, तो यहाँ पे इनका फेस ना बिल्कुल उसके जैसा लग रहा है। अगर आप देखो तो मैं दोबारा दिखाता हूँ, ये देखो लग रहा है ना, ऊपर की तरफ से दिखाता हूँ, थॉमस एंड फ्रेंड। अगर लग रहा है तो बताना मुझे, ठीक है? और बाकी अगर किसी को ऐसा लगता है कि मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन गलत दी है तो प्लीज़ मुझे करेक्ट कर देना। थोड़ा एक तरीके से आप समझ सकते हो, थोड़ा सा ऐसा एरिया है कि इसमें आप बैठ सकते हो, और ऊपर की तरफ बाहर से देखने में तो ये आपको ऐसा लगेगा मुगल टाइम का बना हुआ है, थोड़ा इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का, ये देखो। लेकिन इसे ऊपर की तरफ देखोगे ना तो वो फील ख़त्म हो जाती है सारी, क्योंकि इसमें ना वो पिलर डले हुए हैं जो लोहे वाले होते हैं ना, पता नहीं ऐसा क्यों करा हुआ है। आप इसको छुपा देना चाहिए आई थिंक, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। बाकी तो ये रहा, और सामने की तरफ ये यमुना जी का फेस बना हुआ है, ठीक है? ये देखो, ओ भाई साहब क्या चेन बनी हुई है इनकी। तो दोस्तों यहाँ पे देखो पक्षियों की जो पंछी का भजन बज रहा है, पंछी उड़ते हुए दिख रहे हैं बिल्कुल लाइन में, बिल्कुल साथ में इन पंछियों की पूरी चेन बनी हुई है, देखो। ऐसा लग रहा है पतंग की डोरी नहीं होती, वो जा रही है पूरी की पूरी, ये देखो। अब यहाँ पे ना जस्ट अभी आरती शुरू होने वाली है, 6 बज चुके हैं, 6 बज के ऑलमोस्ट 10 मिनट हो गए हैं, ठीक है? और यहाँ पर इस तरीके के मतलब लोग भी आने लगे हैं, थोड़ा क्राउड इंक्रीज हो रहा है। और सामने की तरफ ये देखो कोलम वगैरह लगे हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ ये रहा एरिया। यहाँ पे आरती शुरू होने से पहले, तो आरती शुरू होने से पहले ना ये यहाँ पे इस तरीके से अपना भजन वगैरह चला रहे हैं, ठीक है? और बहुत यहाँ पे मतलब बढ़िया लग रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे ये माया का फेवरेट चल रहा है भजन। ऊपर की तरफ देखो, ये रहा, दिख रहा है कुछ, ये देखो यहाँ से ना पंछी जा रहे हैं और लाइन से जा रहे हैं, देखो ये देखो पूरी सीरीज में जा रहे हैं, देखो ये रे भाई साहब कितने बढ़िया लग रहे हैं, देखो। जूम नहीं हो रहा, ज्यादा दूर चले गए। और ये रहा सामने इस तरीके से यहाँ पे भजन चल रहा है, यहाँ पे आरती के लिए यहाँ पे तैयारियां चल रही हैं, ठीक है? और आगे की तरफ आप देख सकते हो आरती की तैयारी चल रही है, देखो यहाँ पे। बस अभी मैं बाहर की तरफ से कुछ काम से गया था, बाहर से अंदर आया हूँ जस्ट, और इतनी देर में ही देखो कितने सारे लोग आ गए यहाँ पे क्राउड, ये देखो कितने सारे लोग आ चुके हैं, भीड़ बढ़ गई यहाँ पे। तो अगर आपको आना है ना तो 6 बजे एग्जैक्ट आ जाना, नहीं तो उसके बाद ये जो चेयर्स हैं वो आपको नहीं मिलेगी, ठीक है? तो इनका थोड़ा ध्यान रखना आप, तो टाइम पर आना, ठीक है? और अभी जस्ट स्टार्ट होने वाली है आरती, मैं अंदर की तरफ जा रहा हूँ इसमें, ठीक है?
तो चलो चलते हैं अंदर की तरफ। मतलब यहाँ पे आरती स्टार्ट करने की तैयारियाँ चल रही है। और अभी यहाँ पे कुछ देर पहले ये भी बताया गया यहाँ पे राधा कृष्ण जी का ना नृत्य दिखाया जाएगा, तो वो देखते हैं हम लोग। थोड़ा यहाँ पे देर तक रुकेंगे तो बाकी सारा जो भी यहाँ पे प्रोग्राम वगैरह होता है आपको सारा दिखाएंगे रिकॉर्ड करके। और आपको अच्छा लगता है तो आप यहाँ पर आके खुद भी ज्वाइन कर सकते हैं इस जगह। तो यहाँ पे कार्यक्रम शुरू हो गया है आरती के लिए। और करीब यहाँ पर हमें वेट करते करते देखो पूरे 7 बज गए हैं। देखो पूरे 7:05, 7:06 हो रहे हैं, अब स्टार्ट हुआ है। इससे पहले नित्य का यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा था वो खत्म हो गया। और ये बोला गया था कि जब तक अंधेरा नहीं होगा ना, जब तक स्टार्ट नहीं होगी, थोड़ा अंधेरे में स्टार्ट करते क्योंकि इसका मजा अंधेरे में आया। मुराय काय काले मालाम वाम धारणी त्रिनेन कृष्ण वृत्ति पाति लोक शोक हारणी तो अब ना प्रसाद के लिए सारे लोग इधर की तरफ आ गए हैं। प्रसाद के लिए लाइन लग रही है, रेस लग रही है। और ज्यादा नहीं तो भीड़ हो जाएगी, इससे पहले खुद ही लग जाओ। और ये रही लाइन। मैं माया से आगे लगा। तो देखो हमने यहाँ पे प्रसाद ले लिया, मैं समोसा और पानी कहाँ चला गया मेरा, ये रहा मैं सोचा इसने ले लिया मेरा पानी चुरा लिया यहाँ से। ठीक है तो यहाँ पे ये पानी का वो भी मिला है छोटा सा ग्लास और ये समोसा है। और तो अभी यहाँ पे ना रात का माहौल है, आप देख सकते हो ये जो पिलर खड़े हुए थे इनमें भी लाइट वगैरह जल रही है। देखो दिखाता हूँ मैं आपको थोड़ा एक्सपोजर डाउन करके। ठीक है तो इस तरीके से पिलर वगैरह लग चुके हैं। और पार्क के आपको देखो पीछे का एरिया दिखाता हूँ, लाइट वगैरह जल चुकी है और इधर की तरफ भी लोग बैठे हुए हैं अपना प्रसाद खा रहे हैं। और बीच में इस तरीके का ये बना हुआ, इसमें भी लोग बैठ के, गार्ड वगैरह भी है चारों तरफ। देखो 3-3 गार्ड है। ऐसा नहीं है कि सेफ़ नहीं है, सेफ़ है प्लेस, आप आ सकते हो यहाँ पे, काफ़ी गार्ड वगैरह भी हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फैमिली के साथ आओ, ये काफ़ी सही बना दिया है। और यहाँ पे गार्ड वगैरह भी हैं तो ऐसा नहीं कि कोई परेशानी है। क्योंकि इससे पहले तो क्या होता था कि यमुना के किनारे आने से पहले लोग सोचते थे 10 बार कि भाई जाए नहीं जाए, क्योंकि यार कोई एक तो पहली बात कुछ था नहीं कि आए या नहीं आए। ठीक है और अगर चलो आ भी जाते हैं ना तो यहाँ पे क्या है, बहुत कुछ नशा करने वाले लोग इनके किनारे पे एटमॉस्फेयर को रात के टाइम ख़राब रखते थे। कुछ नशा करके सो रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ठीक है कुछ स्नैचर वगैरह आसपास घूम रहे हैं। बट जब से ये बन गया ना, ये जितना पोर्शन यहाँ पे कवर अप है, वासु घाट है, तो अब यहाँ गार्ड वगैरह हैं, तो यहाँ पे किसी फालतू के पर्सन की एंट्री नहीं है। कोई फैमिली वाला है या नॉर्मल लोग हैं तो वही लोग आ सकते हैं। इस वजह से यहाँ का एटमॉस्फेयर काफ़ी अच्छा हो गया है। तो अगर आप शाम के टाइम भी आना चाहो तो आ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बहुत प्यारे तरीके से बना रखा है, देखो लाइट वगैरह भी जल रही है, आपको दिखाता हूँ मैं। ठीक है तो ये लाइट वगैरह भी जल चुकी है अंदर पार्क के अंदर, ये देखो आगे के तक पूरी की पूरी लाइटनिंग हो रखी है। देखो
और अभी तो है ना यार, मतलब रीडेवलपमेंट में, सॉरी तो अभी तक ये क्या डेवलपमेंट प्रोसेसर के अंदर ही है, ठीक है। तो इसका जब भी मतलब कंस्ट्रक्शन वगैरह जितना भी रिमेनिंग काम है इसका अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो जब कंप्लीट हो जाएगा तो और भी ज़्यादा लोग यहाँ पर आया करेंगे। भी ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं है, जितने लोगों को पता है उतने लोग यहाँ काफ़ी भीड़ लगा चुके हैं। आप देखो सामने की तरफ कितने सारे लोग हैं, ये देखो, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी हम लोग इससे बाहर जा रहे हैं, ठीक है। और करीब अब मैं आपको बता देता हूँ, 7:30 बज चुके हैं, अगर आपको मेरी घड़ी दिख रही है तो, ठीक है, घड़ी का लेंस थोड़ा गंदा हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे 7:30 बज चुके हैं दोस्तों, 7:30 बज चुके हैं, अब हम लोग हम यहाँ से जा रहे हैं। और बाकी अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हो उस व्लॉग को, और बाकी कोई चीज़ आपको बेकार लगी हो तो फीडबैक दे देना कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ इस वीडियो को एक दोस्त के साथ शेयर कर देना जिसके साथ आप यहाँ पर आना चाहते हो।